एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे 20 ऑफ रमदान अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है 4 बज रहे हैं, मैं खड़ी हूँ किचन में और मैंने रोटी डाल ली है। बस रोटी बन जाएगी तो फिर हम खाते हैं सारी और फिर देखते हैं। इस पे लगाते हैं हम ऑयल। ऑयल लगाने का तरीका जो है वो थोड़ा कैजुअल है हमारा। ऑयल की बचत हो जाइए, शशकी की शशकी हो जाएगी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। क्या करते हैं, रोटी हो गई हमारे पास। तो ये जी हमारे पास आज हमारा खाने का सामान, पराठे के साथ छोटा सा अंडा अंडे का मैंने क्या बनाया, और ये साथ में दाल। तो अब जल्दी जल्दी से सारी करते हैं। हेलो, वेलकम बैक। तो अभी जो है वो सारी मैंने कर ली है। बर्तन जो है वो बिल्कुल चटाचट खाली हो चुके हैं। अभी जो है वो टाइम भी तकरीबन हो रहा है, तकरीबन 4:30 हुए अभी, या पौने 5 हो रहे हैं। मतलब अभी काफ़ी टाइम पड़ा, 10-15 मिनट अभी पड़े हमने सारी ख़त्म होने में। और आज आपकी बाजी ने सबसे पहले जो है वो चौका छक्का मार दिया। तो आज पत्नी कितने दिनों के बाद जो है ना वो सहरी मैंने सही से की है। तो अभी जो है वो बस बर्तन वगैरह धोते हैं अपने, और फिर जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ के भी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और मज़े की बात यह है कि आज हमने जाना है न्यू कैंपस। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, जाना है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए। पिछली जो उसकी रिवीजन थी वो तो मैंने की नहीं, मुझे भूल गया सारा कुछ। तो आज उस वहाँ पर भी जाना है, प्रैक्टिस के लिए भी जाना है हमने। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जब जाएंगे तब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी हिजाब पे ना जाना। तो अभी जो है वो बज रहे हैं तकरीबन 1, और हम लोगों की जो ट्रेनिंग है मार्शल आर्ट की वो है 2:30 बजे। और अभी मैं जल्दी से जो है नीचे जा रही हूँ जिसको। बस के लिए और बस आने वाली है, बस फिर चलते हैं। एक स्टेशन हम लोगों का गुजर गया है, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, सो दैट्स व्हाई। अब हमने करना है जी लाइन ट्रांसफर, अपने कर लिया। अब हम बैठेंगे लॉन्ग व्यू वाली पे, फिर जाके एंड पे जो है लाइन ट्रांसफर करेंगे। किस चीज़ से जीता है? यही मैराथन की थीम की। ये इसको जी मेडल मिला है बच्चे को। ये भी कई मैराथन 2024। कोई स्पोर्ट्स था क्या? यही मैराथन है, रेस की होती है। अच्छा, हाँ, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। जो है वो 20 किलोमीटर दौड़ा, उसको मेडल मिला। जो इतना कंफ्यूज हो पड़े ना, उसको समझ नहीं आ रही टोपा के शरीर के अंदर बैठ के। चलो खड़े में हमारे वो पहुंच चुके हैं। हम लोग बेसमेंट में ऐसे शो। तो यहाँ पे हम लोग की होती प्रैक्टिस। अच्छी क्या करते हैं ये लोग। हाँ ठीक है, अच्छा सॉरी। पहले जो इनका वार्म अप होना है रोजे के साथ, हमारा पहले से आराम है तो ऑलरेडी वार्म अप हुआ हुआ है। लास्ट टाइम आए नहीं थे, ये होता है एब्सेंस का नतीजा। बदतमीज दोनों खड़े हुए हैं। ऐसे ही है, शुरू वाला करने लगा ना वो, शुरू वाला जो दूसरे दिन का था जिसमें मैं नहीं। हाँ, वो ऐसे ही है। उसके बाद फिर पीछे होते हैं। अभी जहाँ हम लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, पिछले आगे से आगे मील्स खाई जा रहे हैं। डबल सारी लेग खा रहा है इसको बेचारे को। ये वाला हाथ स्लो है, ये अंदर की साइड है, ये जल्दी आ गया, ये देखो ये तेज है, इस हाथ की स्लो है और इसको ये ऐसे ये पीछे यूं और ये बदल हो गया और जब ये आया तो ये हम सब से नहीं गए ये दो के कोई मोटर ओके अभी नहीं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ देखे देख Nice. Okay, cool. I think videos. लोगों की हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है मार्शल आर्ट की, और हम जा रहे हैं वापस। और अभी तकरीबन टाइम भी हो रहा है, वो तकरीबन हो रहा है 4:30 का। पहुँचते पहुँचते हम लोगों को तकरीबन 6 तो हो ही जाएंगे। तो आज की प्रैक्टिस में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें थी। यह जी मर्सिडीज, आज की प्रैक्टिस की वजह से बिल्कुल बस हो गया है। रोज़ा भी अच्छा खासा जो है ना लग चुका है, पहले से आराम है, पहले इतना फील नहीं होता, लेकिन आज की प्रैक्टिस थोड़ी हैवी वाली थी। ये पता नहीं क्या स्टेज लगा दिया इन्होंने, स्पोर्ट्स काला हो रहा है ना, उसका स्टेज लगाया इन्होंने। लड़की के वॉल चेक करो। हेलो दिस इज मी। सब बैठे हुए हैं और स्कूल में काफ़ी ज़्यादा रश है। Welcome back। तो अभी जो मेरी हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो अपने कमरे में पहुंच चुके हैं, और आज तो बस हो गई है। हालांकि शुक्र है मैंने सुबह सहरी में खाया हुआ था, वरना मैंने बेहोश हो जाना था, कहीं गिर जाना था। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अभी जो है टाइम है, शुक्र है कि हम लोग टाइम से पहुँच चुके हैं वापस, तो नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं लोग। पर के बाद में फिर देखते हैं इफ्तारी का क्या सीन है। आज बहुत थक गए हम लोग, बहुत ज़्यादा। दिल कर रहा था कि सब्वे में एसी लगा हुआ था तो हल्की हल्की ठंडक थी ना, बाहर बहुत गर्मी है आज। आज लगता है 22-23 तक जो है वो टेम्परेचर है बाहर का, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए एसी लगा हुआ था ना सब्वे में, तो दिल कर रहा था कि वहीं पे ना गिर के सो जाते हैं। अच्छा खैर नो बकवास, तो फिर मिलते हैं आपको इफ्तारी के टाइम। तो वेलकम बैक। तो अभी जो है वो हो रहे हैं तकरीबन 6:15। नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ लिया असर की, और अभी जो है वो जल्दी जल्दी इफ्तारी की तैयारी शुरू करते हैं। उसमें पहले तो मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। फ्रूट चाट में क्या ही होगा यार, मेरे पास दही तो है नहीं, ना ही करीब है, तो इसलिए हम दूध जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। पिएंगे, पाकिस्तानी जुगाड़ लगाएंगे। प्यारी समझ गई, समझा करो। तो अभी जल्दी जल्दी जो है वो उसको मैं नगेट्स जो हैं बड़े हुए फ्रीजर में उसको निकालती हूँ। उसके बाद जो है वो साथ ही उसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं, साथ साथ हम जो है फ्रूट काट लेते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम निकालते हैं जी नगेट्स। नगेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं ऊपर ही। देखिए जी ये मेरे पास फ्रूट चाट हो चुकी है रेडी। इसमें थोड़ा सा हम जो है वो दूध ऐड करते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना जुगाड़ है, मेरी अपनी रेसिपी, ठीक है। अब इसमें नमक मिर्च डालेंगे। इसमें डाल लीजिए हमने मिर्च, ये हमने डाला जी इसमें नमक। नगेट्स भी हमारे पास रेडी हो गए हैं। ये कितने टोटल 4 हैं। अब जल्दी से मैं जो है वो शेक बना लूँ। तो वेलकम बैक। तो अभी जो है मैंने इफ्तारी जो है वो सारी रेडी कर ली है। मैं आपको अपनी इफ्तारी दिखाती हूँ। लकली अभी 5-6 मिनट पड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी इफ्तारी भी रल्ला तोबा कर लेते हैं, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको इफ्तारी के बाद। A few moments later। हेलो वेलकम बैक। तो अभी जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा है, और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है शेख अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग पता कि नीयत मेरी नहीं थी आज नमाज़ पढ़ने वाली, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं छोड़ ली है। तो खैर आज एक जो है ना वो बहना ने पूछा हुआ था कंप्यूटर के हवाले से कि मतलब रिसर्च के लिए जो है किस तरह का कंप्यूटर लेना चाहिए। तो यार ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है। लाइक मैं पाकिस्तान से आई थी तो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी 25,000 का जो था ना लैपटॉप लेके आई थी मैं, वो है HP का। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि मतलब आपके पास कितनी जो है वो आपका बजट कितना है, तो उस हिसाब से जो है वो आप बाय कर ले, या फिर आपके काम के हिसाब से डिपेंड करता है। लाइक मेरा इतना काम अभी सॉफ्टवेयर वगैरह वाला कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे इतना हैवी वाला कंप्यूटर भी नहीं चाहिए था, लैपटॉप भी नहीं चाहिए था। ठीक है, नॉर्मल से लैपटॉप से थोड़ा गुजारा हो जाना था। मतलब मैंने तो वर्ड की फाइल और PPT इस तरह की चीज़ें बनानी है ना अभी। तो बाकी जो होते हैं CS वाले होते हैं या जिनका होता है कंप्यूटर वर्क होता है, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली उनको फिर सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके वो हैवी वाले होते हैं, तो उनको लैपटॉप भी अच्छा वाला चाहिए होता है। ठीक है, तो वो इट्स अप टू यू है कि मतलब आपका काम किस तरह से है, फिर उस तरह से जो है वो अपना लैपटॉप आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी चाइना में भी अच्छे मिल जाते हैं, 2000 RMB तक जो है ना बिल्कुल अच्छा और न्यू वाला जो है ना वो लैपटॉप मिल जाता है आपको। यहाँ से आप लेना चाहें तो वेल एंड गुड है, पाकिस्तान से लेके ना चाहें तो वो भी सही है आपके लिए। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।